दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं अपने सातों वर्ड जो मैंने उसी कसम आपको बोलता हूँ, इससे आसान वीजा कहीं पर नहीं है। जी हाँ, ये यूके का नॉटी वर्क वीजा जो भारतीयों के लिए खुला है, जो खुलने जा रहा है जून 2024 में, ये खुलेगा सिर्फ 2 दिन के। इसकी एक कंडीशन, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आपके अकाउंट में रफली 2 लाख रुपया होना चाहिए 28 डेज के लिए मेंटेनेंस के लिए, और आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको एक फॉर्म फिल करना है जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो खुलता है 2 दिन के लिए, और उसकी जो वीजा कॉस्ट है 0 रुपए है। और इसमें आपको ओपन वर्क पर मिलता है, आप यूके जाकर कहीं भी काम कर सकते हो, कोई भी कंपनी में कर सकते हो, कोई कंपनी चेंज कर सकते हो, या आपसे टूरिस्ट लगा के आप पुर्तगाल जा सकते हो, जैसे टूरिस्ट लगा के अमेरिका कनाडा स्ट्रेलिया, आप कहीं भी जा सकते हो। ऐसा वीजा वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है, जहाँ तो ना जॉब ऑफर चाहिए ना इंग्लिश टेस्ट, और एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 चाहिए, पर एक फॉर्म फिल करना और ये कब खोलता है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए आज मैं आपकी हाई डिमांड लेकिन यूके का यंग प्रोफेशनल लॉटरी वर्क वीजा जो भारत के लिए खुलने जा रहा है अगले महीने, वो फॉर्म कैसे फिल करना है, पर जो आज मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो चलेगा वीजा ऑस्ट्रेलिया, प्लस मेरे पास 5 iPhone गिवे हैं जो मैं एक एक कर आपको दूंगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी में दिल से स्वागत। आप आएंगे मेरी मनपसंद कंट्री जिसके पास मेरा पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो है यूके। वहाँ पर यूके का लॉटरी वर्क वीजा एक बार से फिर खुलने जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडियन प्रोफेशनल स्किल, व्हाट इज ओवरव्यू, व्हाट इज एलिजिबिलिटी, व्हाट अ डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड, एंड हाउ यू कैन अप्लाई, इज योर वाइफ और बच्चा आर अलाउड और नॉट, और इसमें अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते क्या आप अगली बार भी अप्लाई कर सकते हो। आपको इंटरव्यू क्लिप दिखाई जाएगी और इवन की आपको ये भी दिखाया जाएगा, ये तो छोटे छोटे बच्चों ने मेरे सीनियर कमांडर किसानी का पेपर ले लिया है, आज वो वहाँ पर सीजनल वर्क वीजा में काम कर रहे हैं और उसका कोटा 55,000 वर्क वीजा का है, और वो बच्चे अब लग्जमबर्ग चलेंगे, उनकी भी इंटरव्यू देखेंगे। तो आज वेलकम करते आपको शो पर एज ए फैमिली मेंबर। इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम है, उसकी एलिजिबिलिटी 4 कंडीशन है, एक इंडियन सिटीजनशिप, आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपके पास RFQ Level 6 degree जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और आपके पास 2530 3.0 3 2 से 2.5 लाख के बीच वन दे, आपको 28 डेज होने चाहिए, पहले भी डालने हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन 28 डेज आपने दिखाने हैं। इसको बोलते हैं हाउ यू कैन एंटर इंडियन यंग प्रोफेशनल वेलर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे दोस्तों ये एक लिंक खुल जाता है, यहाँ पर जैसे नीचे जैसे लिखा डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट मिनट इंटरव्यू विल पब्लिश ऑन दिस वीक, यहाँ नीचे लिंक आता है, इसमें आप क्या करते हो, आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो, जिसमें अकाउंट क्रिएट सबसे पहले आप क्या डालते हो, आप डालते हो हु यू आर गेटिंग ऑन फॉर माई सेल्फ, कंट्री ऑफ इशू, क्या रेजिडेंस ऑफ इंडिया आपका, उसके बाद डालते हो आपका पासपोर्ट किसने इशू किया है इंडिया में, पासपोर्ट नंबर डालते हो, कंट्री ऑफ इशू इंडिया, पासपोर्ट फाइल डालते हो, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो, फिर आप डालते हो कि अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आप ईमेल डालते हो, उसकी ओटीपी आती है, फ़ोन नंबर डालते हो, उसकी ओटीपी, अगर आपको हेल्पर चाहिए आप नो पर क्लिक करते हो, फिर आप अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका यूनिक रेफरेंस नंबर दिखाया जा रहा है, ये UAN नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका वर्क वीज़ा है जो आपको ईमेल, फिर आपको ईमेल आती है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, फिर RSP को जो स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। आपने साइन इन पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर पासपोर्ट कंटिन्यू, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। How do you want to receive a security code? I would say email. Email में भेजें, email में easy आता है, security code आने के बाद enter करेंगे। जैसे आप enter करेंगे, enter करने के बाद आपके पास ये आ गया Indian Young Professional Scheme Wallet, और आपको ये reference number दिया जाएगा। आप continue applications करेंगे, continue application करने के बाद आप ये form PDF कर लेंगे। जब identity and contact आएगा आगे आपके पास, आपको unique reference UAN number आना ही चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट आएगा, प्रिपेयर एप्लीकेशन आएगा, प्रोवाइड अपलोड आएगा, सबमिट आएगा। इसमें आपने क्या करना है, आपने करना है विच ईमेल एड्रेस यू वांट टू यूज़ इट, असिंग पर करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, एंड कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे आप लोग, तो उसके बाद प्रिपेयर डिक्लेरेशन भी आ रहा है, बाय सबमिटिंग द एक्सप्रेशन यू कैन कंफर्म द बेस्ट रिलीज एविडेंस इज फाइन, यस आई एम द बैलेट एप्लीकेशन एज 18 और ओवर, आप 18 से ऊपर हो, आप इसको कंटिन्यू क्लिक करोगे, आपकी 2 चीज़ें कंप्लीट होगी, आपने आइडेंटिटी भी कर ली, कॉन्टेंट भी कर लिया, अब आपके पास प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस में आपको क्या चाहिए दोस्तों, एविडेंस में आपको चाहिए, इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी लोड करनी पड़ेगी जो है आपकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी, ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा GPJ, JPJ, PNG और PDF। हम ऐसे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और अपनी
कोई फाइल को अपलोड कर देंगे, अपलोड एविडेंस। ऐसे आपने अपलोड एविडेंस पर जाना है और आपने क्लिक करना है और आप इसको ऐसे लोड, आपने ऐसे इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आप इस पर अपलोड क्लिक करोगे, बिकॉज मैं डम्मी कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपने ऐसे अपलोड किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, इसको कंटिन्यू कर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद जो ये आपको अगली स्क्रीन पर ले जाएगा, कंफर्म एंड अपलोड करोगे, बिकॉज ये आपका पासपोर्ट की कॉपी है दोस्तों। मेक श्योर फोटो पेज करना है जहाँ पर चेहरा दिखता हो। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने कंफर्म अपॉन रिस्पेक्ट, आपको रेफरेंस नंबर मिल गया है, आप अब इसमें एंटर कर गए हो, अब ये फुल कंप्लीट हो चुका है। इसके आप कंटिन्यू पर जाओगे, कंटिन्यू पर जाओगे और आई एम श्योर आपको एक ईमेल भी आएगी। आपको 2 वीक वेट करनी है, 2 वीक के अंदर आपको ये आ जाएगा। देखिए, प्रोवाइड रिक्वेस्टेड एविडेंस और फोटोज। अभी आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, बिकॉज अभी आपका नाम सेलेक्ट नहीं हुआ है, जब सेलेक्ट हो जाएगा आपको ऑनलाइन ही सी आपको एविडेंस वगैरह भरने, अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको वी हैव लेट यू नो बाय ईमेल, आपने अभी कुछ नहीं करना है, बस आगे जब जिन जो सेलेक्ट होंगे उनको ये विंडो फिल करनी है। आपको इसी तरह दोस्तों एक ईमेल भी आएगी होम ऑफिस से, ऐसे ईमेल आएगी, डियर गैरी कुमार, यू हैव सबमिटेड योर एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट इन 2022 एंड योर यूएन नंबर इज दिस एंड यू मस्ट अप्लाई फॉर योर वीज़ा विद इन 30 डेज। अगर आप सक्सेस होते हो और आपको ईमेल 2 वीक में, आपको अपनी इसी ईमेल पर ध्यान देना है नेक्स्ट 2 वीक्स, जो गवर्नमेंट और यूके वेबसाइट से आएगी। तो गाइस यही था फॉर्म। उसके बाद आपके जो वीज़ा फीस है 298 पाउंड जो रफली 28,000 है और ये आपको 2 साल का मिलता है। इसमें आप स्टडी कस्टम कोर्सेज में आप सारी जॉब्स में काम कर सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, बस आप अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करते। बस आप इस वीज़ा पर आकर जॉब ढूंढ कर स्किल वर्क का वीज़ा लेकर 5 साल के बाद नागरिक यूके अप्लाई करते हो। अगर आप प्लम्बर हो, आप यूके प्लम्बर की जॉब करोगे। अगर आपको यहाँ पर स्पॉन्सर मिल जाता है, आप अपना वीज़ा इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम से स्किल वर्क का वीज़ा में चेंज कर सकते हो। तो मैं आपके लिए दिखाऊँ 30 सेकंड, आप बड़ी खुशी हुई, ये लड़के वो लड़के हैं जो मेरे वीडियो देखकर आई यूके में करोड़ों कमा रहे हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज संदीप कुमार। कुछ दिनों पहले मैंने यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई किया था, सो आज मुझे मेल आई है। ये सब मैंने गैरी सर की गाइडिंग की वजह से किया है, सो आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपकी सो अपनी खुशी में अपनी बयान नहीं कर सकता, सो आज मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इसके लिए गैरी सर को बहुत बहुत थैंक यू गैरी सर। थैंक यू गैरी सर। आज हम दोनों भाई यूके का प्रेस्टन शहर में है। आपका कवर लेटर और सीवी के साथ हमने यूके सीजनल वीज़ा अप्लाई किया था और हम दोनों भाई का वीज़ा मिल चुका है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू गैरी सर, वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू गैरी सर। उसके बाद आपने क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है वो उस पर डिस्कस कर रहे थे। एक वैलिड पासपोर्ट, आपको 2530 पाउंड, आपकी क्वालिफिकेशन की एविडेंस, आप पीवी टेस्ट और आप पुलिस का सर्टिफिकेट क्लीन दिखाई लगेगी। अगर आपके पास आरएफपी लेवल 6 और डिग्री, आप ऐसे क्लिक करोगे फेमल लेवल 6 और 7, 8 है, आपके पास ऐसे खुल जाएगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, आप लेवल 6 डिप्लोमा है, लेवल 6 डिग्री है, आप ऐसे चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर। पर अनफॉर्चुनेटली इस वीज़ा में आपकी बीवी आपके साथ नहीं आ सकती है। मैं यूके में खुद 19 साल से रहना हूँ। अगर आपको सीगर बनवाना है, आप मेरे व्हाट्सअप ला सकते और आपके भी आप में जॉब अप्लाई करूँगा पूरे 9 कंट्रीज में और मेरे सीगर सक्सेस 99% है। और इवन कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बात करें तो मेरे इंस्टॉल गैरी के फैन पर आ सकते हैं, जो कि यारी 24/7 मॉनिटर की जाती है। और इसके लिए फेसबुक पेज है गैरी कुमार एट स्किन विद हैलर, जहाँ पर फ्री आईफोन भी दूंगा, पेज पर आ जाओ, और फ्री प्लेन की टिकट भी दूंगा। इस तरह मेरे 2 यूट्यूब चैनल और है, गैरी टीवी है जो यूके के लिए बना हुआ है और गैरी शॉर्ट्स में, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस वीडियो कैसे वीडियो बताइए। अगर आपको हर चीज़ फ्री वर्क वीज़ा ले रहे हैं इस यूके के, हम 10 लोग का खुद फ्री फॉर्म फिल करेंगे। बट ऑन द मेन टाइम आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।